फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं सूजी का केक। उसे बनाना बड़ा ही आसान है। उसके लिए हमने एक कटोरी सूजी ली है। ये सूजी मोटी थी, पहले इसको हमने मिक्सी के जार में बारीक कर लिया है और छान लिया है। पाउडर शुगर लिया है, एक कटोरी दही और रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले रिफाइंड ऑयल को एक बाउल में डालते हैं, फिर उसके ऊपर डाल देंगे पाउडर शुगर। जितनी सूजी ली थी उतनी ही पाउडर शुगर ली हमने, और एक मिक्सर से मैश करते हैं इसको। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। हमारी चीनी, घी और रिफाइंड ऑयल एकदम मैश हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके सूजी को मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, इसमें गांठें नहीं बननी चाहिए। अब इसमें डालेंगे दूध। दूध है जो रूम टेम्परेचर का लिया है, फ्रिज का एकदम ठंडा नहीं लेना है। हमने सब चीजों को मिक्स कर लिया है। इसको ध्यान रखना है, मिक्स करते वक्त एक ही तरफ मिक्स करना है, दोनों तरफ नहीं घुमाना है, नहीं तो केक का जो फ्लेवर होता है वो खराब हो जाएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब इसको निकालते हैं और इसको ढक के आधे घंटे के लिए रख देते हैं। हमारे बैटर को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये एकदम सेट हो चुका है। अब सबसे पहले गैस के ऊपर एक भगोनी रखेंगे गर्म होने के लिए, और उसमें नमक डाल देंगे। ये मैंने गैस पहले से चालू कर दी और अब ये नमक डालते हैं। ये मैंने पहले से 4-5 बार यूज में ले लिया है। अब इसको इसमें डाल देते हैं और इसको ढक देते हैं फिर से। अब जो हमारा बैटर था इसमें डालेंगे लगभग 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इतना ही मीठा सोडा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हमने जब इसमें दूध मिलाया था उससे पहले इसमें आधी कटोरी दही भी मैश की थी। अब इसमें हम टूटी फूटी डालेंगे। इसको पहले थोड़ी मैदा लगाकर कोटिंग कर लेंगे, वापस में नीचे नहीं जाकर चिपकेगी। जहाँ डालेंगे वहीं पर दिखाई देगी सारी। आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर भी इसी में मिक्स कर देंगे। ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है अच्छे से। अब एक बर्तन लेंगे, मैंने तो ये आइस जमाने का होता है वो लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, भगोनी भी ले सकते हैं, किसी में बना सकते हैं। इसको हम घी से या रिफाइंड ऑयल से कोट करेंगे। सबसे पहले कली में चिपकेगा नहीं बिल्कुल। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल हो तो वो मत लगाइए, आप बटर पेपर का यूज में ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है इसमें लगाने के लिए। एल्युमिनियम फॉइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसमें मैदा लगाएंगे थोड़ी थोड़ी, चारों तरफ लगानी है बिल्कुल।
जो एक्स्ट्रा मैदा थी उसको हमने निकाल दिया है। अब ये जो केक का बैटर है वो इसमें डाल देते हैं। अब इसको ऊपर से एक बार टूटी फूटी फिर से लगा देंगे। जो हमारी बबूनी गर्म हो चुकी है उसको देखते हैं, वो पूरी तरह गर्म हो चुकी है। अब इसमें रखते हैं जाली और ये केक टीन है जो रख देंगे और इसको ढककर छोड़ देंगे लगभग 40 मिनट के लिए। बिल्कुल गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। हमारे केक को पकते हुए 50 मिनट हो चुकी है। अब इसको एक बार चेक करते हैं और ये चाकू बिल्कुल साफ निकल रहा है। मैंने पहले से एक बार 30 मिनट पे चेक किया था तब ये केक कच्चा था। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं भगोने में से। वाह क्या शानदार केक बना है, इसकी कितनी अच्छी लुकिंग आई। अब इसको आधे घंटे या 15 मिनट के लिए छाया में रख देते हैं ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे। ये केक को मैंने पंखे के नीचे रखा था, ये 10-15 मिनट में एकदम ठंडा हो चुका है। साइडों में से जगह छोड़ रहा है। अब इसको एक चाकू से साइडों से ऐसे निकाल रहे, पूरा ही अपने आप बाहर आने की तैयारी में है। और इसको एक प्लेट ऊपर रखेंगे और ऐसे पलट देंगे इसको। वाह क्या कलर आया इसका। इसको फिर से सीधा कर लेंगे। आप भी अपने बच्चे के बर्थडे पे ये केक घर पर जरूर बनाएं। जो मैदा का केक मार्केट में मिलता है उससे ज्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। इसको आप मैं कट कर दिखा देती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या शानदार केक है।